रामलला के विराजमान होते ही पहले ही दिन दर्शन के लिए 1-2 लाख नहीं बल्कि 6 लाख श्रद्धालु आज अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में चप्पे चप्पे पर आज सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नजर आ रहे थे, कोने कोने में आज सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब नजर आ रहा था। अब सोचिए जो लोग रामलला के दर्शन करने के लिए अलग अलग जगहों से अयोध्या में पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं, वो जब अपने घर जाएंगे तो 2024 में किसे वोट देंगे। अभी तक हिंदू और हिंदुत्व की लहर सिर्फ आंकड़ों में नजर आती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि अयोध्या के जरिए प्रभु श्री राम के मंदिर के जरिए हिंदू और हिंदुत्व की लहर अब दिखाई पड़ रही है। आज अयोध्या पहुंचे राम भक्तों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 2024 के चुनावों से पहले ही नतीजा आ गया। राम लहर में मोदी 2024 में तोड़ेंगे 84 वाला रिकॉर्ड, बीजेपी को 400 पार पहुंचाएंगे रामलला के भक्त, जो राम को लाए हैं उन्हें कितना वोट देगी जनता। आस्था के इस जन सैलाब को देखिए, रघुनंदन के चरणों में नतमस्तक होने के लिए लगी इस कतार को देखिए, जय श्री राम के उद्घोष को सुनी, राम लला की भक्ति से विभोर भक्तों को देखी। मोदी ने मंदिर बनवाने का जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। अयोध्या सनातन की नई राजधानी बन गई है। यूपी ही नहीं देश दुनिया के लाखों भक्त राम लला की एक झलक पाने के लिए बेचैन है। मोदी और योगी की जोड़ी ने करोड़ों हिंदुओं के 500 साल पुराने सपने को पूरा कर दिया है। अपने भगवान को देखकर भक्त भाव विभोर हो रहे हैं और अब उनके जुबान पर एक ही धुन सुनाई दे रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तला हम आए हैं, मंदिर यही बनाए हैं, वेद भी बताए, जय जय श्री राम। वोट किसको जाएगा आप लोगों का? बीजेपी। देखिए यहाँ पे हम बीजेपी या कांग्रेस नहीं करेंगे, लेकिन जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राजनीति बहुत ज्यादा हुई है 2024 में, आपको लगता है कि राम मंदिर भी एक मुद्दा होगा, बड़ा मुद्दा होगा? सर राजनीति किस चीज पे नहीं होती, कम से कम किसी अच्छे शुभ काम के लिए हो रही है तो अच्छी बात है, और जरूर होगा मुद्दा, और हम जो राम को लाए हैं उसको लाएंगे। हम उनको लाएंगे। हम पेरी पीढ़ी है, हमें गर्व है कि हमने राम लला के मंदिर को बनते हुए देखा है। ये जिंदगी हमारी सफल हो गई, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। मैं किसी भी से बोलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी योगी और किसको जाता है, योगी और मोदी जी के अलावा किसी की हिम्मत नहीं जो ये काम कर सकते थे। आज तक किसी सरकार ने इसका मुद्दा उठाया नहीं, फाइल दबवा दी जाती थी, बड़े बड़े वकील खरीदे जाते थे 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ में, 20-20 करोड़ रुपए दे दे के दबवा दी जाता, फाइल कभी उठी नहीं। फाइल ना उत्तर प्रदेश की सरकार ना सेंट्रल की सरकार, किसी ने नहीं किया। सिर्फ मोदी योगी जी ने जिस दिन कहा था, जिस दिन हमारी दोनों जगह सरकार होगी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था जिस दिन हमारी सरकार केंद्र और राज्य में होगी हम राम मंदिर निर्माण करवाएंगे। ये तो योगी जी की देन है, ये तो योगी जी की देन है, उनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। योगी मोदी दोनों जो की देन, जो आजाद दादा बाबा नहीं कर पाए वो लोग, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम लोग दर्शन पा रहे हैं, प्रभु श्री राम की कृपा है। ये पूरा पूरा क्लीन स्वीप मोदी जी के पक्ष में रहेगा, मतलब पूरे 400 प्लस सीटें आएगी मोदी जी की, और हमें एक बार रामलला जी के दर्शन हो जाए फिर हमारे प्राण चले जाए तो कोई बात नहीं। और ये जो भी मंदिर बना है भव्य इतने सालों बाद, वो सब मोदी जी की देन है, योगी जी की देन है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है, बाकी सारी पार्टियां बेकार है, फेल है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और बीजेपी पूरे देश में 400 प्लस सीटें जीतने का टारगेट लॉक कर चुकी है। यूपी में 80-81 सीटें जीतने का संकल्प ले चुकी है। सवाल ये है कि बीजेपी यूपी में 80-81 सीटें जीत पाएगी, अखिलेश के MY समीकरण को तोड़ पाएगी, मायावती के OBC दलित वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी? लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि यूपी में उसकी झोली में 80-81 सीटें रामलला दिलाएंगे। बीजेपी को यूपी में सभी सीटों पर क्लीन स्वीप रामलला के ये भक्त कराएंगे। सवाल यह है कि बीजेपी को वोट कौन देगा?
यूपी में बीजेपी को 80 की 80 सीटें झोली में डालेगा कौन? तो सुनिए, मोदी और योगी की जोड़ी जिनके आराध्य रामलला को अयोध्या लाई है वो बीजेपी को वोट देंगे, जिनका सपना था कि रामलला का भव्य मंदिर बने वो बीजेपी को वोट देंगे, रामलला को अपना आदर्श मानने वाला हिंदू बीजेपी को वोट देगा। क्रेडिट देंगे मंदिर प्रधानमंत्री मोदी जी को, योगी जी को, और 500 वर्षों से लड़ रहे उन अज्ञात वीरों को इसका क्रेडिट देंगे। चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है वोट किसको? मोदी जी को वोट मिलेगा, सर जगह कमल ही कमल दिख रहा है। किसको क्रेडिट देंगे जो मंदिर बन गया? मोदी जी। आप देखिए, आप देख रही है सियासत भी हो रही है मंदिर को लेकर। हाँ जी। आप जब इसका जो लोकसभा चुनाव में किसको फायदा मंदिर का मिलेगा जी, किसको वोट देंगे? मोदी जी। अच्छा, क्यों? हमें वो ही हमारे राम जी को लाया, किसी में ताकत नहीं थी। क्रेडिट किसको देंगी जो मंदिर बना, इसका क्रेडिट किसको? क्रेडिट तो भाई माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी है। आज योगी मोदी जी का जो राम लक्ष्मण की तरह खड़े हैं, आज उनके हैं। फिर हमारे भक्तों की भी, सब भक्तों की, हिंदुस्तान की आस्था की ये परिचय है, इसीलिए आज ये भव्य मंदिर बना है। पश्चिमी यूपी से आया हुआ राम भक्त बीजेपी को वोट देने का ऐलान कर रहा है, तो पूर्वांचल से आए रामलला के उपासक मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना वोट देने की घोषणा कर रहे हैं। रायबरेली से आया हिंदू परिवार भी मोदी को वोट देने का अयोध्या में ऐलान कर रहा है, तो मुरादाबाद अमरोहा से आए भक्त भी 2024 बीजेपी को वोट देने का वादा कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर और मैनपुरी से आए राम भक्त भी तीसरी बार मोदी सरकार का नारा लगा रहे हैं। यूपी ही नहीं, पूरा देश राममय हो गया है, रामोत्सव में डूबा है, और इसका असर 50 दिन बाद होने वाले चुनाव पर भी दिखेगा। कैसे, ये जानने से पहले आपको 2014 और 2019 के नतीजे को देखना जरूरी। 2014 में एनडीए को 80 में से 73 सीटों पर जीत मिली थी, जिनमें से बीजेपी अकेले 71 सीटें जीती थी, जबकि 2019 में एनडीए के खाते में 64 सीटें आई थी, जिनमें से बीजेपी अकेले 62 सीटें जीती थी। यानी 2014 के मुकाबले 2019 में एनडीए के 9 सीट कम हो गए, लेकिन 2024 में बीजेपी 80 का टारगेट फिक्स कर चुकी है, और यूपी के सभी 80 सीटों को बीजेपी ने 20 क्लस्टर में बांट दिया है। इनमें से 15 क्लस्टर जीती हुई सीटों का है, जबकि 5 क्लस्टर में हारी हुई 16 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था वो सीटें बिजनौर, अमरोह, मुरादाबाद, संभ, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना। इनमें से 10 पर बीएसपी, 5 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर कांग्रेस जीती थी। हालांकि बीजेपी उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रही। अब बीजेपी का पूरा फोकस जीती हुई 66 सीटों के साथ हारी हुई 14 सीटों पर भी है। सवाल यह कि अब बीजेपी इन सीटों को जीतेगी कैसे, तो इसके लिए बीजेपी को अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना होगा। 2019 में जो हिंदू विपक्षी दलों को वोट दिए थे उनके वोट को भी छीन कर लाना होगा, और राम मंदिर का उद्घाटन कर मोदी ने हिंदुओं को फिर से एक सूत्र में बांध दिया है। राम मंदिर को लेकर हिंदुओं के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और योगी के समर्थन में एक लहर पैदा हो गई है, और इन हिंदुओं ने चुनाव में अगर कमल का बटन दबाया तो कांग्रेस का 84 वाला रिकॉर्ड टूटना तय समझी। नगरी से वोट किसको पड़ेगा? एक तरफा योगी जी, मोदी जी और बीजेपी के लिए एक तरफा फिर से कमल खिलेगा 2024। किसको क्रेडिट देंगे अगर इतना बड़ा और भव्य मंदिर बन गया राम मंदिर का? ऑब्वियसली बीजेपी गवर्नमेंट को, क्योंकि उनकी इतनी स्ट्रांग स्पाइन थी कि वो इतना बड़ा डिसीजन ले पाए, और उन्होंने उस डिसीजन के बाद देश को भी बहुत अच्छे से संभाला, पीस मेंटेन किया। आपके न्यूज के माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि सनातनी धर्म को इतने बड़े तोहफा दिए हैं, और वाकई में अगर आप ही बताइए पहले क्यों नहीं बनी, आज मोदी जी और योगी जी हैं तभी बन पाई है।
और अब यूपी में सबसे ताजा चुनाव के आंकड़े को देखिए और समझिए कि कितने हिंदू बीजेपी को वोट दिए थे और कितने विपक्षी दलों को। उत्तर प्रदेश में 80% हिंदू है। 2019 में बीजेपी को 59% हिंदुओं ने वोट दिया था, जबकि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 54% हिंदुओं का वोट मिला था। समाजवादी पार्टी को 26%, बीएसपी को 14% और कांग्रेस को सिर्फ 2% हिंदुओं का वोट मिला। और हिंदू वोटरों की बदौलत ही बीजेपी यूपी में 403 विधानसभा सीटों में से 273 सीटें जीतने में कामयाब रही। और अगर बीजेपी एसपी बीएसपी और कांग्रेस के 5% हिंदू वोटर को साधने में कामयाब हो जाती तो फिर यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने से उसे कोई नहीं रोक सकता। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाकर इंडी गठबंधन के नेताओं ने यूपी में हिंदू वोटर्स के ऊपर से अपनी पकड़ खो दी है। राम नाम से तूने बंदे हो, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया, देख बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम सुमिर ले नहीं तो पड़ेगा काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। इंडी गठबंधन के नेता भी यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन राम के बिना ये काज उनके लिए बहुत भारी है। लेकिन बीजेपी 2019 में हारी 16 सीटों पर हिंदुओं को एकजुट करने में जुट गई। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में 55% हिंदू है और 45% मुस्लिम वोटर। अमरोहा में 70% हिंदू है और 20% मुसलमान वोटर। मुरादाबाद में हिंदू वोटर्स करीब 51% है तो मुस्लिम वोटर्स 45% से अधिक। संभल में 55% हिंदू वोटर, 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। आजमगढ़ में 70% से ज्यादा हिंदू है तो 23% से अधिक मुस्लिम मतदाता है। रामपुर में 46% हिंदू वोटर है तो 52% मुस्लिम वोटर है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में 48% हिंदू वोटर है तो 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर। वहीं रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुर, सहारनपुर में हिंदुओं का वोट जातियों में बटा है, जिसका फायदा विपक्षी दलों को 2019 में मिला था। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर में रामलला को विराजमान कर हिंदुओं को एक धागे में बांध दिया है। मोदी ने हिंदू वोटर्स को बीजेपी की तरफ खींच लिया है और इसका फायदा 2024 में मिलते हुए दिखाई भी दे रहा है। अयोध्या में इस समय हम लता मंगेशकर चौक पर हैं और भक्तों का जो जनसैलाब है वो लता मंगेशकर चौक पर भी नजर आ रहा है। हजारों की तादाद में जो राम भक्त है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं और राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए पूरी तरीके से कमर कस के आए हैं। दिक्कत कितनी हो, परेशानी कितना हो, लेकिन उनको दर्शन करना है और हर हाल में प्रभु का आशीर्वाद लेना है। सीधे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके मन की क्या भावना है। क्या पूरा नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से 18 तारीख को आया हूँ। क्या नाम है आपका? राम सेवक कुमार। राम सेवक जी, दर्शन हुए कि नहीं अभी? अभी दर्शन नहीं करने गए क्योंकि बहुत ज्यादा काफी भीड़ है। भीड़ बहुत ज्यादा है क्योंकि 500 वर्षों के बाद मंदिर बना है। टीवी पे देखा, रामलला को देखा? हाँ, टीवी पर देखा, बहुत खुशी हुआ, बहुत काफी खुशी हुआ क्योंकि कोई भी चीज बहुत संघर्ष के बाद मिलता है, ज्यादा खुशी होता है क्योंकि ये मंदिर बना बहुत संघर्ष के बाद। राजनीति भी बहुत हुई, बहुत आपको लगता है कि 2024 में जब राजनीतिक चुनाव होगा तो इसका फायदा किसको मिलेगा, किसको नुकसान होगा? बीजेपी 400 से पार करने वाली है इस बार। 400 पार करने वाली है, किसको जाएगा आप लोगों का वोट? बीजेपी, सिर्फ बीजेपी। जो राम को लाया हम उनको लाएंगे। देखिए यहाँ सब जो लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। यही 500 साल में अगर कितनी सरकारें आई, कितने राजाएं आए लेकिन नहीं बनवा पाए, ये मोदी ही क्यों बनवाए? और यही पूछते थे कि जब राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। पहले कहा जाता था लेकिन डेट सब आ गई है। लेकिन रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाए हैं, डेट भी बताओ। जय
जय श्री राम। वोट किसको जाएगा आप लोगों का? बीजेपी। देखिए यहाँ पे हम बीजेपी या कांग्रेस नहीं करेंगे, लेकिन जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। शानदार दर्शन हुए और 500 साल में सौभाग्य की बात है कि हमारी पीढ़ियां तर गई है। मैंने लाल रामलला के दर्शन करे हैं और बहुत सौभाग्य की बात है। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी मोदी जी ने जो कार्य करा है ये युगों युगों तक याद रहेगा जनता को और हमेशा शानदार पीढ़ी रहेगी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 2024 के चुनाव में राम मंदिर बड़ा मुद्दा होने वाला है। मुद्दा खत्म हो गया सर। अब